कोई कंप्लान पिला के लंबा कर रहा है बच्चे को, तो चाइना भेजो कंप्लान। अरे कोई लंबा उम्बा नहीं होता, ये सब फर्जी कंपनियां आपको लूटती हैं। आपने गाय का दूध छोड़ दिया, घी छोड़ दिया, आपने हरी सब्जी छोड़ दी, आपने फल छोड़ दिया, आपने पौष्टिक तत्व जितना आंवला छोड़ दिया, आपने आपने सब कुछ छोड़ दिया। माना किसको? ये फर्जी लोग जो दिन रात झूठ बोलना और बेकार के प्रोडक्ट का प्रचार करके आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोग, ये शराब का भी प्रचार करते हैं, ये गुटखा का भी प्रचार करते हैं, ये तंबाकू का प्रचार करते हैं। बताइए, तंबाकू वाला लिखता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और ये क्या कहते हैं, दाने दाने में केसर का स्वाद। हाँ, दाने दाने में छिपकली का स्वाद लिखना चाहिए। भैया, ऋषियों के मार्ग पर लौटना होगा। मैं फिर अपील करता हूं, चमत्कार पे नहीं आविष्कार पे भरोसा करना होगा आपको। ये चमत्कारी और खराब कर रहे हैं देश की जनता को, ये आविष्कार को भुला दे रहे हैं। च्यवनगर्ग, अंगिरा, कश्यप, गौतम, मार्कंडे, भास्कराचार्य, वराह मिहिर के आविष्कार को ये जितने हैं ना, ये चमत्कारी, ये नकली लोग, ये भुलाए दे रहे हैं। चमत्कार को नहीं, हमें आविष्कार को याद करना चाहिए। जो हमारे ऋषि महर्षियों ने किया था, उन्होंने आविष्कार किया था, चमत्कार नहीं। जिनके आविष्कार से हम लोग आज भी नित्य अपने जीवन में, जिनका उपयोग योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, इसका आविष्कार किया था उन्होंने, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मंत्र फूंक के लंबाई बढ़ाते। एक टीवी पे आता है ना वो डबल रोटी जैसा मूली, वो कह रहा है चुटकी बजाता लंबाई बढ़ाता है। अब नाम नहीं लूंगा, मौका पड़ेगा तो नाम भी लूंगा, कोई मैं डरता थोड़े हूं। कहता है आंख बंद करो, मंत्र फूकूंगा लंबाई बढ़ जाए। ये जनता भी इतनी भेड़ चाल है महाराज, इसके ऊपर तो हमको इतना क्रोध आता। एक लेके पहुंच गई महिला, महाराज मेरे बच्चे का लंबाई नहीं बढ़ती है, कंप्लान कंपनियों ने तो गारंटी ले रखी है, और कह रहा है मैं मंत्र से लंबा। भैया इनके चक्कर में मत पड़ो, ये महाफर्जी लोग हैं। हाँ, आप बांग भट्ट की बात मानो, आप चरक की बात मानो, आप अंगिरा कश्यप गौतम की बात मानो, आप पतंजल की बात मानो, तो आपका कल्याण होगा। अगर मैं गलत कहा हूं तो कान से निकाल कर बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ,